लीजिए मुकाबले की पहली रैंक अंकित सैन ठीक है देख लो एमकेडी लाइव अंकित सैन आ चुके हैं पहली रैंक लेकर मिट्टी के इस मैदान पर देखना है देखना होगा इस समय अंकित सैन फाइनल मुकाबले की ये पहली रैंक एमटी रेड करके वापस गए हैं और लीजिए धनंजय दो नंबर की जर्सी में है धनंजय देखना है धनंजय युवा खिलाड़ी है और अब तक लकी वंडर्स इंग्लैंड से इस युवा खिलाड़ी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमने देखा है फिलहाल देखना है धनंजय की रैंक एक बड़ा चैलेंज होगा और एक इतिहास बनाएगा आज जो भी योद्धा यहां से इस 52वें सोपान को अपने नाम करेगा फिलहाल देखना है इस समय रेडर उदय परते अगर इस टूर्नामेंट का बेस्ट रेडर अभी तक अगर मैं बात करूं जो देखा जा रहा है वो है उदय परते चलो भैया लाइन के पीछे चलो सब इतने सा ऑटो पीछे चलो सब इतना जगह खाली रखो पीछे चलो पीछे किसका जाओ तो फिलहाल देखना है इंदौर लकी वंडर्स इंदौर ने एक बड़ा हाथ मारा है देखना है कितने पॉइंट एक दो तीन तीन उंगली आसमान के समांतर सुपर रेड की है फिलहाल देख रहा होगा कि एक बेहतरीन सुपर रेड तीन एक अब तक का इसको फाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ अंकित जैन बोर्ड से थोड़ा सा दर्शकों को दर्शकों की पुकार की जो स्कोर बोर्ड है वो उन्हें दिखाता रहे और मैं बोलता भी रहूंगा आप लोग फिक्र ना करें तीन एक लीजिए यशवंत लकी वंडर्स इंदौर की जान यशवंत देखना है नौ नंबर की जर्सी में यशवंत इस समय यशवंत देखना है इससे फाइनल मुकाबले में पूरा मौका है आज इंदौर के लिए कि एक इतिहास बना सकती है इंदौर की टीम मैं बता दूं कि स्टार एकेडमी जबलपुर जो कि पिछले सीजन की विजेता रही है और इससे पहले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का जो तृतीय पुरस्कार था 11,000 रुपए जो कि इस पुरस्कार था अभी इससे पहले उन टीमों को प्रदान किया गया है भाई राज कटारे गोलू भैया 11,000 रुपए आपके द्वारा इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का तृतीय इनाम आपका सहयोग और आपका इसने और आप सभी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सफलता के उस आयाम तक पहुंचाया है लीजिए भरपूर जवाब मिल रहा है इंदौर की तरफ से भी तो इसको अब यहां पर देखा जाए इस फाइनल मुकाबले का इंदौर 4 और 2 जबलपुर यशवंत इस समय देखना है रेडर यशवंत क्या बेहतरीन फुटवर्क है और इस खिलाड़ी के पास क्या हाइट है देखना है कबड्डी के लिए इनकी फाइट इस फाइनल मुकाबले में 9 नंबर की जर्सी में एक अच्छी कदकाठी के बेहतरीन रेडर यशवंत 05 की जर्सी में हर्ष ना हर्ष है और अब देखना है कि काम कितना बड़ा करते हैं बढ़िया प्रयास वहीं पर इस समय हर्ष का लेफ्ट कॉर्नर पर काफी तेजी के साथ गए बार भी सेंटर पर एडवांस टैकल मेहर गुर्जर का एडवांस टैकल जहां पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनके लिए और एक और पॉइंट स्टार एकेडमी जबलपुर के लिए 3 जबलपुर 4 इंदौर 4-3
फाइनल मुकाबला आप देख सकते हैं। वाह क्या बात है, क्या रेड है यशवंत की, देखना है कितने पॉइंटों की गुहार निर्णायक अरुणजी राजपूत ने दो उंगलियां आसमान के समांतर उठाई है। क्या खूबसूरत रेड थी, क्या खूबसूरत रेड। और लीजिए इस समय उठे पत्ते स्टार अकेडमी के स्टार रेडर और स्टार खिलाड़ी उदय परते, कमाल के रेडर हैं। और अभी तक जितनी भी रेड की है उदय परते ने, जितने भी मुकाबले देखे गए हैं वो तारीफ के काबिल। इस बार काफी डीप में थे, काफी अंदर थे, वॉक और बोनस लाइन के बिल्कुल अंदर थे, क्या कहने हैं। देखिए मेहर गुर्जर इस रेड की कमान मेहर गुर्जर के हाथों में। इस समय सुपर टैकल दो खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर, स्कोर अभी भी 3-3। भैया कार्तिक शर्मा भाई साहब स्कोर को थोड़ा सा बता दें, 7-2 इंदौर, टाइम आउट किया गया है, 7-3। लीजिए टाइम आउट के बाद जी 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 हाँ बिल्कुल कोहिनूर भाई, आप सभी का सहयोग रहा है और प्यार रहा है इस टूर्नामेंट में। लीजिए 1+2 3 पॉइंट दिए जाएंगे इंदौर के लिए। तो अब इंदौर का स्कोर दंदर आता हुआ 11-3 इन फेवर ऑफ इंदौर। लीजिए इस बार फिर उदय परते को रोक लिया है, इस उड़ते उड़ते हुए परंदे के पर काटने पर लग चुकी है। देखना है इंदौर की टीम समझ लिया है, सोच लिया है कि अब ये उड़ता परंदा किस डाल पर बैठेगा, उस डाल को ही काट देना चाहती है इंदौर की टीम। वाह क्या कहने इस मुकाबले के, फिलहाल देखना है यशवंत एक बड़ा नाम एक बड़ा प्लेयर यशवंत लकी वंडर्स इंदौर की ओर से रेड करते हुए। देखना होगा यशवंत जैसे ही सुना 5 सेकंड वापस गए अपने कोर्ट की तरफ। स्कोर देखिए आप अभी भी 12-3 इन फेवर ऑफ इंदौर। और हिमांशु चौधरी कबड्डी हमारी अपनी भारतीय संस्कृति का खेल, पुनर्जन्म का खेल है कबड्डी, जिसमें आप मर जाते हैं और फिर जीवित हो जाते हैं, एक ऐसा खेल हमारी अपनी भारतीय मिट्टी का खेल कबड्डी। देखना होगा मिहिर गुर्जर इस बार राइट कॉर्नर के बिल्कुल नजदीक, वाह या दर्शक भी पता नहीं कहां कहां से छाट के शब्द लेके आते हैं, क्या बात है। यहाँ के दर्शक बड़े प्यारे दर्शक। लीजिए इस समय देखना है 5 सेकंड बोनस लेकर गए मेहर, एक और पॉइंट इंदौर के लिए। देखना होगा इसमें अंकित अंकित सैन अंकित सैन की रेड। देखना होगा इस समय अंकित, अभी तक अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है अंकित ने, पिछले उन क्वार्टर सेमीफाइनल मुकाबलों में एक सक्सेसफुल रेडर रहे हैं, लेकिन इंदौर की तरफ से फाइनल मुकाबले में तो कमर कस ली है यशवंत ने कि जाऊंगा मार के लाऊंगा या फिर मर के आऊंगा, खाली तो नहीं आऊंगा। यशवंत की रेड इस समय 9 नंबर की जर्सी में, काफी अच्छा प्रयास इस समय देख रहे हैं। फिलहाल देखना होगा
यशवंत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, ज्यादा टीम नहीं जाना चाहते हैं, वो जानते हैं कि उनकी टीम के पास एक लीड है, एक बोर्ड है। फाइनल मुकाबला चलता हुआ इस समय आप देख रहे हैं। एनटीपीसी परिवार कनेक्ट मंच के सामने बैठे हैं। एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जिनका आशीर्वाद, जिनका सहयोग, जिनका मार्गदर्शन, वाकई एक सफल आयोजन, बावनवा सोपान सफलता की उस प्रभात को चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, पानी गिरा, फिर धूप निकली। देखना है इस बार हर्ष कितने पॉइंट लेकर आए हैं, कितनी उंगलियां जाएगी आसमान के समांतर। तो क्या कहने इस समय, देखिए क्या डू और डाई रेट पर क्या बेहतरीन तरीके से पॉइंट लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए। 5 जबलपुर, अब 6 जबलपुर। छह तेरह का स्कोर। उदय पटेल की वापसी, लीजिए स्कोर 12-13 का स्कोर। ऑल ओवर एंट्री आउट पॉइंट मिला इसी बीच। 14 का स्कोर इस समय देखना है इंदौर का, 12 का स्कोर वहीं जबलपुर का, 14-12 इन फेवर ऑफ इंदौर। अभी भी दो अंकों की लीड इंदौर के हाथों में। क्या कहने इस मुकाबले के, और इस योद्धा की जितनी तारीफ करें उतनी कम। उदय पत्ते क्या बात है, देखिए फिलहाल एक इस फाइनल मुकाबले को एकदम गर्म कर दिया है। तारीफ काबिल प्रदर्शन उदय पत्ते का, जी हां वाकई 6 नंबर के योद्धा ने 6 लोगों को ढेर किया है, 6 खिलाड़ियों पर एक योद्धा भारी पड़ा है। जबरदस्त रेड की तारीफ के बाद रेड उदय पत्ते की, जितनी तारीफ करें उतनी कम। मानो कि ये खिलाड़ी 24 कैरेट खेला, 24 कैरेट सोना, एकदम बिल्कुल प्योर खड़ा सोना कबड्डी के इस खेल में। वापस गए वहीं पर देखना है मेहर गुज्जर और उदय पत्ते की रेड। 14-12 चलता हुआ ये मुकाबला, वाकई उदय आपने साबित कर दिया है कि मोहब्बत किससे कम हो जाए इसका अंदाजा नहीं होता, और ये वो घर है जिसमें कोई दरवाजा नहीं होता। क्या कहने इस मुकाबले के, फाइनल मुकाबला बिल्कुल फाइनल मुकाबले की तरह चलता हुआ, पलक झपकते ही कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। एक एक रेड यहां पर मायने रख रही है इस फाइनल मुकाबले की, एक एक रेड इतिहास बन रही है। नंबर 9 की जर्सी में यशवंत, 9 नंबर की जर्सी में फिलहाल देखना होगा इस समय यशवंत की रेड। लकी वंडर्स इंदौर के बेहतरीन रेडर यशवंत लगातार इस समय यशवंत सप्लिंग करते हुए इस बार हाई कॉर्नर के नजदीक, देखना होगा दो कॉर्न के ऊपर प्रयास किया जरूर वहां पर, लेकिन उतना जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाना चाहते हैं इंदौर के 9 नंबर के रनर यशवंत। हर्ष क्या कह रहे हैं, एक सुनिए रन देखा जाते हैं टर्निंग पॉइंट हर्ष का उस टू डायरेक्ट पर, जहां पर वो दो अंक लेकर आए थे, जहां उन्होंने यशवंत की वापसी की थी, तबाह की उनकी उस टू डायरेक्ट पर उन्होंने जो दो अंक निकाले थे वो तारीफ के काबिल थे। लीजिए इस समय देखना होगा हर्ष फिरेगा बैकिंग का इस्तेमाल, राइट कॉर्नर के लिए फिलहाल डिफेंस पर
लेफ्ट कवर की ओर तेजी से बढ़े, तेरे का लेफ्ट कवर की ओर काफी गति है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, रेडर सेल्फ आउट हुए और एक और पॉइंट मिला इसी बीच इंदौर के लिए। थर्ड रेट मेहर गुजर आ गए हैं टू और डाई रेट पर, करो या मरो, कबड्डी में दो रहने खाली हो। वाह क्या बात है, आंधी की तरह आए और तूफान की तरह छा गए और एक बेहतरीन पॉइंट मिला वहां पर अपनी टू और डाई रेट पर। स्कोर बनता हुआ 16 इंदौर 12 जबलपुर। एक बार फिर धीरे धीरे अंकों पर अपनी बढ़त बनाती हुई देखना होगा इस समय रेडर उदय प्रत्ये, देखना होगा रनिंग एंटच का प्रयास उदय प्रत्ये का लेफ्ट कॉर्नर के लिए। इस समय दावा कर रहे हैं प्रत्ये, देखना होगा कि दावे में कितना दम। इसी बीच पॉइंट मिला उदय प्रत्ये के लिए, एक सफलता मिली है इस रेड पर। धनंजय कहीं ना कहीं दो नंबर की जर्सी में शिकार हुए हैं। इस समय देखना होगा यशवंत पूरा दाव लगा रहे जिनके कंधों पर, एक आज बड़ी जवाबदारी के साथ में अपनी रेट पर खड़ा करना होगा। फिलहाल देखना होगा इसमें इंदौर की तरफ से अभी भी रेट पर जारी है, रेट पर चलते को दिखाई दे रहे हैं यशवंत वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में। एक बार फिर उदय प्रत्ये, मानो कि ऐसा लग रहा है कि यह फाइनल मुकाबला उदय प्रत्ये और यशवंत के बीच चलता हुआ। देखना होगा उदय प्रत्ये फिर एक बार दो की तीन की चेन इस समय इंदौर के कोर्ट में अगर देखा जाए। रेट की कमान एक बार फिर मिहिर गुर्जर, मिहिर आए हैं इस समय, पांच का डिफेंस है, राइट कॉर्नर भी चेन में, लेफ्ट कॉर्नर भी चेन में, राइट कॉर्नर पर अगर देखा जाए तो रविंदर और प्रकाश के साथ इन पर। देखना होगा कि निर्णायक बघेल जी का डिसीजन वहां पर क्या कहता है। टू एंट्री आउट, दो अंक लेकर गए इंदौर के लिए, दो अंक मिल जाएंगे। अच्छी रेड वहां पर मिहिर गुर्जर की, हालांकि संदीप वहां आए जरूर थे ब्लॉक करने के लिए लेकिन उतना सक्सेसफुल ब्लॉक नहीं हुआ और एक अपनी जगह बनाकर मिडलाइन को अपने रीच के साथ में ब्लॉक किया है, दो अंक लेकर गए अपनी टीम के लिए। स्कोर इंदौर 18 जबलपुर 13। उदय उदय प्रत्ये क्या बात है, जबलपुर में एक और बेहतरीन सफलता, दो अंक लेकर आए हैं वहां पर ईट के दबाव पत्थर से। बखूबी यहां पर देखना है उदय प्रत्ये खड़े उतर रहे हैं 18-15 जबलपुर 18 इंदौर। फाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ, एक बड़ी जद्दोजहद इस मुकाबले में, एक बड़ी गुहार, एक बड़ी पुकार, एक बड़ी आवाज। देखना है कि आज 2024 का ये 52वां सोपान, ये 52वां सीजन, ये ट्रॉफी इंदौर जाएगी या फिर जबलपुर, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। मिट्टी का ये खूबसूरत खेल, हमारी अपनी भारतीय परंपरा का खेल देखना है, जिसकी लोकप्रियता, जिसकी भव्यता, बिंदा यमुना तहजीब। देखना होगा इस समय क्या बेहतरीन माहौल बनता हुआ इस फाइनल मुकाबले के लिए। और आदरणीय हमारे भाव अनिल प्रताप जी इस मैच का लुत्फ लेते हुए मुख्य मंच से आप देख सकते हैं, हमारे अनिल भैया इस मैच का पूरा लुत्फ लेते हुए मिट्टी का ये खूबसूरत खेल। लाल लीजिए उदय प्रत्ये, क्या बात है, क्या बात है, जहां इंदौर के कोच बैठे हैं उन्हें वहीं लेकर गए, कहा कि कोच साहब इन्हें थोड़ा सा आशीर्वाद दे दें। दोनों टीमों को देखना है इस समय चेतावनी दी जा रही है, 19 इंदौर 16 जबलपुर, बोथ वन वन, एक एक पॉइंट दोनों टीमों के लिए। 19-16 का स्कोर इस समय देखना होगा। अब इंदौर की तरफ से देखना है 9 नंबर की जर्सी में यशवंत, वाकई किसी ने सच कहा है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से क्या कह रहे हैं, स्टार्ट एटैक।
आपको। जबलपुर जिस आग में जल रही है शायद उसकी तपन महसूस कर सकती है इंदौर की टीम। बाकी और आगे है हिमांशु चौधरी, रेड हिमांशु तो टच करने का प्रयास, इस बार साइड किक का इस्तेमाल। हिमांशु चौधरी जो कि प्रो कबड्डी के बेहतरीन सितारे, फिलहाल देख रहा हूं कि इस समय हिमांशु वापस आए अपने कोर्ट पर। 19-17 पर यह मुकाबला चलता हुआ, इस मुकाबले में अभी बहुत जान है, बहुत जान इस मुकाबले में। फाइनल मुकाबला चलता हुआ, काले बादल, घनघोर बादल, काले बादल आप देख सकते हैं और इन काले बादलों में दूधिया रोशनी का राजमहल प्रांगण में ये खूबसूरत प्रकाश और इस दूधिया रोशनी के चलते हुए ये फाइनल मुकाबला। लीजिए पहले हाफ का खेल, लीजिए मैच फिर एक बार चलेंगे, एक झलक अब इस फाइनल मुकाबले की तरफ। स्कोर अभी भी वही के वही 19-17 इंदौर, जबलपुर 17। धनंजय वापस आ गए अपने कोर्ट पर, पहला हाफ जा चुका है, अब दूसरे हाफ पर ये फाइनल मुकाबले की इस समय जंग जारी। फिलहाल देखना होगा कि अंकित अंकित सैन रेड की कमान अंकित सैन के हाथों में। फिलहाल देखना होगा कि इस समय अंकित सैन क्योंकि बहुत अच्छे रेडर है और उन्होंने बहुत साथ दिया है अपनी टीम का और उनके साथी रेडर उदय प्रत्येक का, इस समय इंदौर की है। इंदौर की ओर से लगातार एक अच्छा प्रदर्शन अभी तक में देखा गया है। वापस आए, ज्यादा कुछ हलचल नहीं मचाई, ज्यादा कुछ खास वहां पर नहीं किया रेडर में, सेफ होकर आ गए और देखना है कि हिमांशु हिमांशु चौधरी ये भी वापस आए हैं। थर्ड रेड ये है रेड टू आर डाई, जहां पर धनंजय के लिए आगे कुआ पीछे खाई, अब धनंजय बगैर पॉइंट लिए वापस नहीं आ सकते, पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये है टू आर डाई, मतलब करो या मरो। क्या बात है, देखिए यहां पर भी टू आर डाई, लेकिन यहां उदय पड़ते हैं, इन्हें मालूम है कि मेरा रास्ता कहां है, मेरी मंजिल कहां है, मेरा ठिकाना कहां है, देखना है उदय पड़ते चल पड़े इस समय अपनी टू आर डाई रेट पर। देखना होगा सुपर टैकल ऑन, मुश्किलें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, उदय पड़ते कहीं ना कहीं विचार बनाए कि राइट पर आऊं तो लेफ्ट पर आऊं, वक्त धीरे धीरे निकलता हुआ उदय पड़ते से। समय पूरा हुआ, 30 सेकंड की कहानी, सुपर टैकल इंदौर। क्या बात है, देखिए कितनी अच्छी पहेली है कि कबड्डी में आप 30 सेकंड तक रेडर से बच बचाते रहिए, रेडर से बिल्कुल आप अपने आप को सेव करते रहिए और रेडर का काम है कि उसे छूकर आपको आना है। कितनी आसान सी पहेली है, कितना सीधा सा फंडा है कबड्डी का, वाह यही तो खूबसूरती है कबड्डी की। लीजिए इंदौर की रेड बिल्कुल टाइम निकाल रहे हैं अपनी रेड पर, समय निकाल रहे हैं, जैसे ही सुना शरीफ खान की आवाज को वैसे ही वापस गए अपने कोर्ट की तरफ। लीजिए अंकित से आ गए, स्कोर 21 इंदौर 18 जबलपुर। उदय पत्ते की एक रेड, उदय पत्ते की एक रेड इस स्कोर को लेवल कर सकती है। तारीफ करनी पड़ेगी, एक से बढ़कर एक महारथी है, नैने पर दैना है भाई, कभी उदय पड़ते तो कभी अंकित सैन तो कभी हिमांशु चौधरी, देखना है कि ये प्याला कौन पिएगा 2024 का, ये 52वां सोपान स्वर्गीय राजा शंकर प्रताप सैन जी जुड़े जिनकी स्मृति में ये 52वां सोपान 52वां सीजन पिछले वर्ष की
विजेता टीम रही है स्टार एकेडमी जबलपुर। देखना है इस सीजन में क्या कहानी होगी। थर्ड रेट नीचे, थर्ड रेट पर आ गए हैं रेडर, पांच नंबर की जर्सी में टू आर टाई। देखना है कि ये छोटा पटाखा बड़ा मालूम तो नहीं है, कहीं हल्के में आप किसी भी खिलाड़ी को नहीं ले सकते। लीजिए रनर को ठकाया जा रहा है और मैं वही कह रहा हूं कि आप इसे हल्के में मत लीजिए। ये देखिए छोटा पटाखा बड़ा बारूद, दो अंक ले गए भैया। कभी कभी एक कहावत मैं सुनता हूं कि हाथी को मारने के लिए चींटी काफी होती है, तो आप किसी भी खिलाड़ी को हल्के में नहीं ले सकते। उदय पटेल स्कोर अब तेईस उन्नीस। देखना होगा 23-19 पर चलता हुआ दूसरे हाफ का एक यशवंत ने डबल थाई होल्ड किया, डबल थाई होल्ड करा यशवंत सपोर्ट में अपनी टीम का और एक बेहतरीन रनर को अपने शिकस्त में रख लिया है यशवंत। देखना है यशवंत इस समय एक तरफ से यशवंत पूरी जान लगा रहे हैं। कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। वाकई पसीने पसीने इस समय एक और पॉइंट, एक और खूबसूरत है संदीप। टाइम आउट टेकन बाय सेकंड हाफ। लीजिए अंकित सैन, बहुत कुछ उम्मीद है आपसे अंकित। देखना है अंकित इस समय इंदौर के कोर्ट में सात का पूरा फुल हाउस है, लेकिन यहाँ तो सात खिलाड़ी मौजूद इंदौर के कोर्ट में। मौका है यहाँ पर मस्तूर है अंकित के लिए कि यहाँ से सफलता मिल सकती है। लेकिन देखिए डिफेंस पर भी संयम, देखिए आप डिफेंस का बैलेंस जिसे हम कहें क्या परिचय दे रही अपने संयम का अपने धैर्य का। अभी भी इसको 25-19। वाह क्या बात है, सुपर टैकल पर मेहर गुर्जर इस समय पकड़े गए, दो अंक मिल जाएंगे यहां पर। स्कोर अब 25 इंदौर और अब जबलपुर 21, 25-21। हर्ष देखना होगा, हर्ष फाइनल मुकाबला, फाइनल मुकाबले की ये खूबसूरत तस्वीर। आज हजारों मोबाइल इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दर्शकों की तो यह तारीफ है कि पानी गिरे या ओले गिरे कुछ भी हो फाइनल तो देखकर ही जाते हैं। देखिए आप दर्शकों का जन सैलाब देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक, दाएं से लेके बाएं तक, यहां से लेके वहां तक, हे भैया सिर्फ दर्शक की दर्शक। थर्ड एक ये है टू आर टाई अंकित के लिए, आगे कुआ पीछे खाई, दो रने खाली करने के बाद देखना है अंकित। यही भैया क्या बात है, ये तो भैया बड़े बड़े कर दी इसे 25-25। ये मुकाबला इतना गंभीर हो जाएगा, इतना खतरनाक हो जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। वाकई
चाहत मेरी ठुकराओगे मालूम नहीं था, चाहत मेरी ठुकराओगे मालूम नहीं था, अरे तुम इतना बदल जाओगे मालूम नहीं था। अली जी उधर पड़ते वापस गए अपने कोर्ट में 27-25 मिहर गुर्जर। इसमें राइट कॉर्नर पर्चे लेफ्ट कॉर्नर पर्चे चेन से छूटे हैं तो सिर्फ उन्हें पत्ते देखना होगा। मिहर इस दोनों की चेन में मुश्किल जरूर होगा मिहर के लिए यहां से पॉइंट निकालना, लेकिन देखना है क्या करेंगे, क्या चल रहा है उनके दिमाग पर। इरादा बना लिया है, विचार कर लिया है कि अब मैडम सेफ जाना चाहेगा अपने घर में। वापस गए वहीं पर देखना है एंटी रेट की अंकित, कभी अंकित कमाल करता है तो कभी उदय पट्टे कमाल करता है। देखिए पलक झपकते ही भैया क्या हो जाता है, एक सेकंड में मानो कि हवाई जहाज बन जाता है। इसको 26-27 आग लग चुकी है। मेहर 26-27 का स्कोर इस समय देख रहा है। क्या बात है, इसको फिर हुआ भैया 27-27। वहां गई फाइनल मुकाबले की तरह चल रहा है। क्या बात भैया क्या बात है। उधर पड़ते देखना है समय सुपर टैकल ऑन, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उधर पड़ते, लेकिन मौका है कि टीम अगर यहां से एक आध भी पॉइंट मिला तो टीम ऑल आउट हो सकती है और आपको एक बढ़त यहां से मिल सकती है। अब देखना है कि क्या रणनीति होगी इस मुकाबले में। अभी भी फिलहाल देखना होगा यहां से रेडन फिर एक बार टाइम आउट की इस समय देखना होगा। मुकाबला फिर एक बार तैयार आ चुके हैं स्टार कैंडी के स्टार खिलाड़ी उदय पत्ते। आज एक ही नाम एक ही पुकार एक ही आवाज एक ही नाम उदय पत्ते। लेकिन अभी तो लड़ाई है, अभी तो और भी लड़ाई है। फाइनल मुकाबला इस समय देखिए आप दूसरा हाफ चल रहा है और न जाने अभी कितना वक्त है। एक बार फिर इंदौर की तरफ से देखना होगा कि अब इससे मुकाबले में ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। स्कोर बोर्ड में देख रहा हूं कि स्कोर बोर्ड 27-27 बैलेंस बराबर है। थर्ड लीजिए अंकित आए हैं थर्ड रेट पर। चौका मार दिया अंकित ने, ऐसा देखना होगा। थर्ड लेग पर खेलते हुए यशवंत भी इस समय टू ऑन लाइन पर खेल रहे हैं। देखना है यशवंत की मुश्किलें बढ़ती हुई। वापस आए यशवंत इस समय देखना है स्कोर अब इसी पॉइंट के साथ में। अब जबलपुर ने बॉल बना ली है 32 से जबलपुर और 27 इंदौर। अब इंदौर पिछड़ रही है। कुछ तो मजबूरी आ रही होगी, यू कोई पीछे नहीं होता। और कुछ अपने दिल को भी कटोल कर देखो इंदौर वालों, ये वास्ता बेवजह नहीं होता।
चलिए यहाँ पर 1 पॉइंट मिला यहाँ पे भोपाल को, जबलपुर को, जबलपुर को। रुपये लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। 33 का स्कोर जबलपुर, 27 इंदौर। एक बड़ी लीड अब इस मुकाबले पर आ चुकी है, एक बड़ी लीड। जर्सी नंबर जी मित्रों अंकित, काफी कुछ हद तक अंकित बराबर अपनी टीम को अंतिम 5 मिनट और इस मुकाबले के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। स्कोर की अगर बात करें तो 34 जबलपुर, 27 इंदौर। धनंजय फिलहाल देखना है कि धनंजय की है मुश्किल अब थोड़ा सा वक्त इस समय इंदौर की तरफ जो बिजलियां गिर रही है अपने आशिया को बचा पाना उतना ही मुश्किल इंदौर टीम के लिए। वक्त पलटा, कहते हैं कि गुरूर में धना भैया, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चल जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। धनंजय एक बार फिर देखना है समय, इंदौर की ओर से रेड कर रहे हैं, यानी 2 हाई रेड। देखना है इससे 30 सेकंड में धनंजय क्या करते हैं। सफलता मिली वहां पर धनंजय के लिए और काफी देर के बाद अपनी गाड़ी का गेयर बदला इंदौर ने। अब स्कोर बोर्ड पर थोड़ा सा परिवर्तन इंदौर के स्कोर बोर्ड में, 28-34 जबलपुर, 28-34। क्या बात है, ये सर्द हवाएं कहीं ना कहीं पानी के संकेत दे रही हैं। बोनस के लिए वहां पर देखना है, अटेम्प्ट किया है, बोनस का प्रयास अच्छा किया है। बोनस मिल चुका है यशवंत के लिए, पॉइंट मिला है और थोड़ी सी चोट आ गई है। बोनस वहां देखना है कि एक अंतिम 3 मिनट इस खेल के लिए, अंतिम 3 मिनट। स्कोर 29-33, 29-33। वो उदय पड़ते वाह, 2024 बारिश की यह बूंद है, हजारों दर्शक जहां पर एक आवाज है, एक पुकार है, एक नाम है, एक सैलाब है, वाह उदय पड़ते। कमाल का रैनल, कमाल का खेल, कमाल का प्रदर्शन। और देखना है टीम ऑल आउट हुई है, ऑल आउट के साथ ही अब जबलपुर का स्कोर देखना है 3 अंकों में कहा जाता है। 41-4 पे अंतिम 2 मिनट, 29-41। अब तो भैया लंबी दूरी है, बहुत लंबी दूरी है।
इंदौर से जबलपुर बहुत दूर, 400 किलोमीटर का फासला, जहां जाने में वक्त तो लगेगा, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्रकाश, ये प्रकाश है, नाम ही प्रकाश है। ये देखिए आप प्रकाश का अंतिम एक मिनट, लास्ट वन मिनट, अंतिम एक मिनट इस खेल को देखा है उदय पत्ती।